अभी रात के 2 बज रहे, फाइनल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इनसे पूछेंगे इनका क्या एनर्जी लेवल है अभी। अरे एनर्जी लेवल अभी नींद चाहिए मुझे। उधर देखो ब्रश कर रहा है पीछे आदमी, और अभी हम घर जा रहे। हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू चैनल। आज मैं जा रहा हूँ गढ़चंदू, जहाँ पे चल रहा है ऑल इंडिया टूर्नामेंट। यहाँ पे आए एक से एक धुरंधर, महाराष्ट्र के और बाहर के भी टॉप प्लेयर्स यहाँ पे आए हैं। अभी मेरे साथ है विक्की मोन, इनसे जानेंगे कि यहाँ पे कौन सी टीम आई है। अभी हमारे गढ़चंदू में MLA कप हो रहा है, ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट। यहाँ पे लेडीज और जेंट्स दोनों भी टीमें आ चुकी है। लेडीज में है तमिलनाडु, कर्नाटका, जबलपुर, जयपुर, गुजरात, आगरा, रायपुर, पटियाला, पंजाब, इतने लेडीज़ की टीम है। और जेंट्स में है कर्नाटका, हैदराबाद, मुंबई, आगरा, कापरगाव, हैदराबाद, ये सब टीमें यहाँ पे आ चुकी है। अभी कुछ ही देर में जेंट्स का मैच यहाँ पे शुरू होने वाला है। अभी पहला मैच किसका रहेगा जेंट्स में? पहला मैच पानीपत वर्सेस यूपी बॉयज। गाइस अभी मेरे साथ है सैयद मुबारक, इनका अभी सेमीफाइनल मैच होगा। इनको पूछते हैं कि कौन कौन खेलेगा अभी टीम में। हेलो गुड इवनिंग, अभी हमारे टीम में है 2 इंडिया प्लेयर है जो कि खेले हुए हैं अंडर 18 में, एक है दिलीप और एक है शोएब जो अभी काफी फॉर्म में है दोनों के। यहाँ पे शोएब आप देख सकते हैं, शोएब अभी वार्म अप कर रहा है बढ़िया से, अभी रेडी हो रहा है सेमीफाइनल मैच के लिए। और बाद में फिर 2 सेटर है हमारे पास, अभी जो महाराष्ट्र की जो टॉप 2 सेटर्स है उसमें एक सेटर कौन, ऋतिक और मनोज, दोनों काफी बढ़िया है, यंग थे, यंग चेहरे आगे आने वाले। और जो साइड में वार्म अप कर रहे हैं उनका नाम, उनका नाम दिलीप है, दिलीप वैष्णव, अंडर वो राजस्थान से है। में वो 2019 में उन्होंने एक एशियन कप का टूर लगाया हुआ है। हाँ, और बाकी फिर एक ब्लॉकर में मधुर है हमारे पास, मधुर जो वार्म अप कर रहे हैं बॉल के साथ, और एक कौशिक है जो स्टेज पे वार्म अप कर रहा है, तो उधर स्टेज के पास वार्म अप कर रहा है इंडिविजुअल उसका आ रहा है। बाकी लिब्रो में हमारे पास जॉन्टी है, जॉन्टी जानते हो, GST मुंबई में है, इस तरह से टीम है। अच्छा ब्लॉग यहाँ पे कौशिक की ओर से, जॉन्टी का अच्छा सप्लाई, बॉल बनता दिलीप को, और ये गिरेगा सप्लाई शोएब का, बॉल बनते वापस सैयद, और ये ब्लॉग शानदार खेल के लिए सिंपल सर्विस या फिर इसमें लिया सैयद ने, और ये क्रॉस इस तरह से हमारे कितना हुआ अभी बज रहे भाई 2:05 मेंस का कब चालू होगा, फिर भी अभी 14 सेट चालू है फाइनल होने के बाद, और कब तक कितना बज जाएगा मेंस फाइनल खत्म होने को? 3 बज जाएगा, 3 नहीं 3 को स्टार्ट हो जाएगा, 5-6 बज जाएगा फिर घर भी निकलना है कल। रात के 2 बजे अभी फाइनल मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, और क्या एनर्जी लेवल है अभी आपका? एनर्जी लेवल तो बहुत डाउन है फिलहाल, क्योंकि अभी हम 5 सेट खेले सेमीफाइनल में। हाँ, जो GST का हुआ था आप लोगों ने देखा ही होगा। हाँ, तकरीबन अभी 2:15 है। हाँ, अभी मैच चालू होना बाकी है, अभी फाइनल को तकरीबन आधा घंटा और है मैच चालू होने, लेकिन अभी भी यार अगर पब्लिक है, पब्लिक अभी भी फुल है, पब्लिक यहाँ मानना चाहिए, पब्लिक बहुत एक्साइटेड है फाइनल के लिए, और पब्लिक 2:15 तक भी यहाँ पर खचाखच भर चुकी है, देखते हैं हम इनके लिए खेलेंगे जरूर। पैसे पूछेंगे अभी फाइनल मैच है, क्या एनर्जी लेवल है इनका? एनर्जी लेवल तो बहुत हाई है, फाइनल हमारा ही है। नहीं अभी 2 बज गए, एनर्जी लेवल बिल्कुल हाई है, बिल्कुल हाई है। गाइस अभी मेरे साथ है रियाज अन्ना और भाग्यराज, अभी रात के 2 बज रहे, फाइनल अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, इनसे पूछेंगे इनका क्या एनर्जी।
लेवल है अभी? अरे एनर्जी लेवल अभी नींद चाहिए मुझे, मेरे को लग रहा है मेरे गांव में जैसे खेलते है ऐसे रात को शुरू होते है सुबह तक खेलते रहते हैं 12 बजे 1 बजे तक ऐसा लग रहा है। लेकिन पब्लिक तो पब्लिक अभी भी है, पब्लिक तो है, हमको एनर्जी चाहिए ना कुछ ना कुछ तो नहीं। आखिरकार भाई आप क्या बोलेंगे? सेम टू सेम, एनर्जी लेवल जीरो जीरो है, एनर्जी रहता है। एक्टिवेट करेंगे स्लोली हम लोग, जो सेमीफाइनल 5 सेट खेला है ना उसमें थोड़ा थक गया। अच्छा अच्छा, उसी इधर भी डिले कर दिया मैच, वजह से हम लोग थक गए। भाई रुक लेना, वेंकट भाई अभी इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं फिलहाल। चला गया वो, चला गया। सुबह के 5 बज रहे, अभी फाइनल ख़त्म हुआ है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं। वो उधर देखो ब्रश कर रहा है पीछे आदमी, और अभी हम घर जा रहे हैं।